हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है आप सभी संविदा आउटसोर्सिंग या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के साथ में जितने भी गरीब परिवारों की महिलाएं हैं, जितने भी युवा हैं या जितने भी फ्रेंड्स बेरोजगार युवा हैं, इन सारे लोगों के लिए जो है आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। खासकर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जितने भी संविदा आउटसोर्सिंग या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, इन लोगों को जो है पेंशन दिए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है और फ्रेंड्स इन्हें जो है अब जल्द ही पेंशन भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं, इन लोगों को जो है 3,000 रुपये प्रतिमाह देने की बात का भी जो है अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों का लाभ जो है कब से मिलेगा, आइए जो है आज के इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो देखने के बाद जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा जितने भी पद अब शेष हैं यूपी में या पूरे भारत में, अब जो है उसे आउटसोर्सिंग पर भर्ती कराने का आदेश जारी कर दिया गया है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो है ये चीज़ें आप लोग श्योर मानकर चलिए कि इस गवर्नमेंट में जितनी भी भर्तियां की जाएगी सब जो है ठेकेदारी प्रथा पर ही की जाएगी, कोई भी भर्ती जो है परमानेंट बेसिस पर नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें जो है आप लोग श्योर मानकर चलिए। अभी फ्रेंड्स, हाल ही में जो है पुलिस महानिदेशक द्वारा भी जो है इस बात के संबंध में एक आदेश जारी किया गया था कि अब पुलिस विभाग में जो भी भर्तियां कराई जाएगी, चाहे दरोगा की भर्ती हो चाहे कांस्टेबल की भर्ती हो, उसे भी जो है आउटसोर्सिंग पर कराए जाने का जो है इनके द्वारा आदेश दिया गया था। हालांकि फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि इनके द्वारा जो है फिर इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि हमारे द्वारा ये जो पत्र जारी किया गया है ये गलती से जारी किया गया था। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है इसी मूड में दिखाई दे रही है कि जितनी भी भर्ती अब निकाली जाए उसे जो है संविदा आउटसोर्सिंग या ठेके पर निकाली जाए। वहीं फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि इंडिया गठबंधन की पार्टी द्वारा अब जहां जहां पर इनकी सरकार बनी हुई है, हमने जो है आप लोगों से स्टार्टिंग में ही बताया था, चुनाव आचार संहिता के दौरान ही हमने जो है आप लोगों को बताया था कि ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया गठबंधन की पार्टी की सरकार अगर केंद्र में नहीं बनती है, ऐसा जो है आप लोग बिल्कुल भी ना मानकर चलिए कि जहां जहां पर इनकी सीटें निकलेगी वहां के युवाओं को, गरीब परिवारों की महिलाओं को या संविदा आउटसोर्सिंग या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को जो भी इंडिया गठबंधन की पार्टी द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था, इसका लाभ नहीं मिलेगा। और देखिए फ्रेंड्स, अब जो है इस संबंध में नोटिसें जारी होना शुरू हो गया है। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि जिस जिस राज्य में इंडिया गठबंधन पार्टी की सरकार बनी है वहां के संविदा आउटसोर्सिंग या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लागू की जा रही है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि पेंशन दिए जाने का भी जो है आदेश जारी कर दिया जा रहा है, न्यूनतम मानदेय लागू करने की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई है और इन सारे लोगों को जो है परमानेंट किए जाने की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई है और इन सारे लोगों को मानदेय में भी जो है अच्छा खासा वृद्धि किए जाने का आदेश जारी हो गया है। आप लोग जो है स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इंडिया गठबंधन की पार्टी की सरकार बनी हुई थी, जिसके द्वारा जो है जो भी वहां के संविदा आउटसोर्सिंग या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, इन सारे लोगों को जो है पेंशन का लाभ दिए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है और फ्रेंड्स, इन लोगों को जो है अब जल्द ही पेंशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर वहीं बात किया जाए कर्नाटक में, तो कर्नाटक में घर बनाने के लिए अतिरिक्त जो है 3.5 लाख रुपये की सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। वहां पर भी जो है फ्रेंड्स कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी हुई है। हालांकि फ्रेंड्स, बता दें कि यूपी में जो है इतना नहीं दिया जाता है प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना के तहत घर बनाने के लिए, लेकिन फ्रेंड्स वहीं आप लोग कर्नाटक में देख सकते हैं कि 3.5 लाख रुपए की राशि जो है ये एक गरीब परिवार के लिए काफ़ी बड़ी रकम होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है ये पूरा चीज़ें स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की पार्टी की सरकार में और एनडीए पार्टी की सरकार में कितना ज़्यादा जो है डिफरेंट सामने निकल कर आ रहा है।
और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि तेलंगाना में भी जो है इंडिया गठबंधन की पार्टी द्वारा वहां के जो भी किसान हैं इन लोगों का जो कर्ज माफी है इसे 15 अगस्त तक माफ कर दिया जाएगा और अधिकारियों को जो है 2 लाख रुपए तक के कर्ज वाले किसानों की सूची तैयार करने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ में आप लोगों को यह भी बता दें, हिमाचल प्रदेश में जो भी विधवा और एकल नारियों को घर बनाने के लिए जो है इनके द्वारा 1.5 लाख रुपए अलग से जो है दिए जाने का प्रावधान जारी कर दिया गया है। और इसके साथ में आप लोगों को यह भी बता दें कि कर्नाटक के जो भी बेरोजगार युवा हैं इन लोगों को जो है पर मंथ 3,000 रुपये देने की बात जो है यहाँ की इंडिया गठबंधन की पार्टी द्वारा अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और इसके साथ में जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को यह भी बता दें, आप लोग जो है ये पूरा चीज़ें स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इंडिया गठबंधन की पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ बनी है वहाँ के बेरोजगार युवाओं को, किसानों को, समिति आउटसोर्सिंग या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को, बेरोजगार युवाओं को, इन सारे लोगों को जो है क्या क्या लाभ दिया जा रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, वहीं अगर बात किया जाए तेलंगाना में तो वहाँ पर भी इंडिया गठबंधन पार्टी की सरकार बनी हुई है। और देखिए फ्रेंड्स, इंडिया गठबंधन की पार्टी द्वारा लोकसभा 2024 के चुनाव के अपने घोषणा पत्र में इस बात का अनाउंसमेंट किया गया था कि अगर इनकी सरकार केंद्र में बनती है तो गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपये कर दिया जाएगा। हालांकि फ्रेंड्स, केंद्र में जो है इनकी सरकार नहीं बन सकी है, लेकिन फ्रेंड्स जहाँ जहाँ पर जिस जिस राज्य में इनकी सीटें निकली हुई है वहाँ के लोगों को जो है इसका लाभ मिल रहा है। आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि तेलंगाना में अब गैस सिलेंडर जो है ये 500 रुपये में दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है ये पूरा न्यूज़ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे जो है काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है इंडिया गठबंधन पार्टी की सरकार जहां पे बनी हुई है वहां पर जो है लागू किया जा रहा है। हालांकि फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि अगर केंद्र में एनडीए पार्टी की सरकार बदली तो आप सभी बेरोजगार युवाओं, किसान, गरीब परिवारों की महिलाएं या विधवा पेंशन पाने वाले लोग या साथ ही साथ फ्रेंड्स जो भी संविदा आउटसोर्सिंग या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं इन सारे लोगों का जो है भाग बदल जाएगा। हालांकि फ्रेंड्स, अभी जो है आप लोग ये चीज़ें श्योर मानकर ना चलिए कि पूरे 5 साल तक जो है केंद्र में एनडीए पार्टी की जो है सरकार चलेगी, क्योंकि फ्रेंड्स अभी जो है काफ़ी ज़्यादा इनकी पार्टी में खिटपिट चल रहा है। और फ्रेंड्स, आप लोग जो है ये चीज़ श्योर मानकर चलिए 1 से 1.5 महीने में इनकी सरकारें भी जो है ढह जाएंगी। और फ्रेंड्स, अगर जो है केंद्र में इंडिया गठबंधन पार्टी की सरकार बनती है तो आप सभी लोगों को जो है काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है प्रोवाइड कराई जाएगी, जैसे कि राहुल गांधी द्वारा जो है लोकसभा चुनाव 2024 के घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया गया था कि ठेकेदारी प्रथा जो है पूरे भारत से खत्म कर दिया जाएगा और जो भी संविदा आउटसोर्सिंग या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं इन लोगों को जो है परमानेंट कर राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और इन्हें पेंशन का लाभ भी दिया जाएगा और जो भी गैस सिलेंडर है इसे जो है 500 रुपये में दिया जाएगा और जो भी गरीब परिवारों की महिलाएं हैं इन्हें जो है 8,500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, यानी कि साल में जो है 1 लाख रुपये इन्हें दिया जाएगा। और इसके साथ में जो है बेरोजगार युवाओं को भत्ता भी देने की बात की गई थी। फ्रेंड्स, काफ़ी चीज़ें जो है इनके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था, लाइट बिजली बिल माफ़ करने के लिए और पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए, ऐसे जो है काफ़ी चीज़ों पर जो है इनके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था। हालांकि फ्रेंड्स, अब जो है ये चीज़ें देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि केंद्र में जो है एनडीए पार्टी की सरकार कब तक रहती है। अगर फ्रेंड्स केंद्र से जो है एनडीए पार्टी की सरकार गिर जाती है, अगर इंडिया गठबंधन पार्टी की सरकार बनती है तो आप सारे लोगों का जो है भाग बदल जाएगा, जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों ने जो है तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में देखा ही है। आई होप आप लोगों को जो है ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का जो है इस वीडियो के संबंध में क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जरूर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर चलिए अगले वीडियो में मिलता है किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।